डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आज सीमेंटेशियस कोटिंग छत पर कैसे किया जाता है, उसके लिए केमिकल बनाया जाता है। सबसे पहले केमिकल बनाने में आप 1-4 का रेशियो बना सकते हैं। 1 किलो पॉलीमर केमिकल, 2 किलो आप इसमें पानी डाल सकते हैं और जो है 4 किलो आप इसमें सीमेंट डाल के एक अच्छा तरीके से घोल बना लें। जब ये घोल बन जाए उसके बाद पूरे छत पर इसको लगा देना है। इससे ये फ़ायदा होता है, सीमेंटेशियस ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा होता है कि जो छत पर क्रैक आए हुए होते हैं, जो माइनर क्रैक होते हैं या मेजर क्रैक होते हैं उसमें फिलअप हो जाता है। कई बार क्या करते हैं लोग कि जब उनका छत पर क्रैक आ जाता है, फट जाता है, सीलनशिप पे जाने लगता है तो उस पर सीमेंट लगाते हैं। तो आप भी ऐसा कर चुके होंगे और ये सीमेंट ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, वो फट जाता है, फिर से क्रैक आ जाता है। बार बार करते हैं जिससे आपके लिंटर के ऊपर मलबा पड़ जाता है और वो पानी और ज़्यादा सूखने लगता है, जिससे सीलनशिप और ज़्यादा बनता है। आपके लिंटर का और ज़्यादा ख़राब होने का जो स्पीड होता है तेज़ी से बढ़ जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वाटरप्रूफिंग आपके छत पर करा देना है। इससे आपका छत मजबूत हो जाएगा और उसका जो लाइफ होती है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो मैं बताया था केमिकल, वैसे बना लेना है और पूरे छत पे इसको लगा देना है। इसमें 3 से 4 कोटिंग होती है। फर्स्ट कोट आप केमिकल को डायरेक्ट कर सकते हैं बिना सीमेंट लगाए प्राइमर से, ताकि वो डस्ट वोस्ट वगैरह जो है साफ हो जाए, चिपचिपा हो जाए, उस पर केमिकल की पकड़ मजबूत बनेगी। उसके बाद क्या करना है, आपको पेस्ट बना लेना है, जैसे कि आपको मैं दिखाया था वीडियो के शुरू में ही, वैसे पेस्ट बना के पूरे छत पर लगा देना है। उसके बाद क्या करना है कि जो रेशियो 1-2-4 का हमने बताया था, उसको रेशियो को थोड़ा सा कम कर लेना है और पतला केमिकल वाला बना के उसके ऊपर ब्रश से कर देना है। तो टोटल 3 कोट हो गया। 4th कोट में आप चाहें तो लिक्विड रबड़ का एक इलास्टोमेरिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये तो टोटल 7 कोटिंग होती है छत का, लेकिन मैं आपको केवल यहाँ पे एक 7 कोटिंग का एक जो है आपको मैं एक पार्ट दिखाया हूँ। 7 कोटिंग में जो है इलास्टोमेरिक, सीमेंटेशियस, ग्लास फाइबर और हीट इंसुलेशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। आप चाहें अपने हाथ से ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, आप ज़्यादा पैसा अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इसको भी करके टेम्पररी इससे निजात पा सकते हैं। वैसे तो 7 कोटिंग एक प्रोफेशनल वर्कर जैसे कर पाएगा वैसे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटरप्रूफिंग ऐसा चीज़ होता है कि ये सक्सेस भी हो जाता है और फेल भी हो जाता है। तो सक्सेस वही लोग कर पाते हैं जिनका ये प्रोफेशन होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो कंपनी का सर्विस है पूरी दिल्ली और पूरी इंडिया में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप जानकारी अधिक ले सकते हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं या इंडिया में कहीं से रहने वाले हैं, कंपनी आपको सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड कर देगी।